For updates regarding all competitive exams, subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so that you never miss a notification. आप सभी लोगों का एडवांस्ड इंग्लिश बाय राजेश्वर शर्मा में हार्दिक स्वागत है और ये है टॉपिक नंबर 24 और ये है इनफॉर्मल लेटर जो लिखा है एक स्टूडेंट ने जिनका नाम है IPL स्टैटिक. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज मुझे अपना जेन्युइन नाम ही बताएं जब आप मुझे अपना ऐसे सेंड करें. देखिए इनका टॉपिक है इनके इनफॉर्मल लेटर का, राइट अ लेटर टू योर कजिन टेलिंग हिम हर अबाउट योर न्यू कॉलेज. आपको अपने कजिन को एक लेटर लिखना है जिसके अंदर आपको उनको अपने न्यू कॉलेज के बारे में बताना है. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका आएगा एड्रेस, हाउस नंबर 50, तारानगर, सोनीपत, हरियाणा, इधर लिखा है. फिर एक लाइन की स्पेस देंगे, फिर आएगी डेट 7th of May 2018. तो आप ऑफ ना लगा के 7th के बाद कॉमा लगाएं. डियर ABC, जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम आएगा और अब आपका लेटर स्टार्ट हो जाएगा. आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस. ये इनकी ओपनिंग लाइन है. मैं ये आशा करता हूँ कि जो मेरा लेटर है ये आपको एकदम अच्छी हेल्थ और खुश पाए. इट हैज बीन सो लॉन्ग सिंस वी रोट टू ईच अदर. इन्होंने ये लिखा है कि बहुत वक्त हो गया है कि हमने एक दूसरे को कुछ लेटर आदान प्रदान नहीं किया है. हाउ आर अंकल एंड आंट. इन्होंने ये पूछा है कि आपके फ्रेंड की जो मदर एंड फादर हैं वो कैसे हैं. यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम जान के बहुत खुश होगे दैट आई हैव सिक्योर्ड, यहाँ पे हैव आएगा, आई हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन सेंट जेवियर्स कॉलेज, कॉलेज आएगा कॉमा मुंबई. तो इन्होंने ये बताया है कि इनको सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में एडमिशन मिला है. अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं धीरे धीरे कि इनका कॉलेज कैसा है. तो इन्होंने स्टार्टिंग की है कॉलेज के आर्किटेक्चर से जो कि सही भी है. द कॉलेज इज एन हेरिटेज कॉलेज. आप यहाँ पे एक वर्ड को सेव कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे लिखें इट इज एन हेरिटेज कॉलेज, उससे आपका जो दो बार कॉलेज वर्ड रिपीट हो रहा है वो भी बच जाएगा. इट इज एन हेरिटेज कॉलेज एंड वॉज सेटअप नहीं एस्टैब्लिश इन 1869. कॉलेज कैंपस इज ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे आपको द कॉलेज ही लिखना पड़ेगा, आपने स्टार्टिंग में से लिखा था. द कॉलेज कैंपस इज ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर. ये एक तरीके का आर्किटेक्चर होता है जो हम पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स देखते हैं, बहुत पुरानी जो भी मुंबई में, उस तरीके का आर्किटेक्चर होता है उसे गॉथिक बोलते हैं. द कॉलेज कैंपस इज ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर विच एट फर्स्ट साइट गेव मी द फीलिंग ऑफ हॉगवर्ट्स. तो इन्होंने ये लिखा है कि जो कॉलेज का इनका आर्किटेक्चर है वो गॉथिक आर्किटेक्चर है और इन्हें जब इन्होंने पहली बार कॉलेज को देखा, उसकी बिल्डिंग को देखा, तो इन्हें हॉगवर्ट्स की याद आई जो कि हैरी पॉटर की मूवी में जो स्कूल्स थी उस तरह का इनको फीलिंग आई. I was starstruck at the first sight. ये एकदम अचंभित रह गए. ये इन्होंने काफी सही लिखा है. इन्होंने कॉलेज के आर्किटेक्चर के बारे में बताया है और इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है कि इनको कैसा फील हुआ. तो ये राइट फ्लो है एकदम आपके लेटर का. द एटमोसफियर एंड एनवायरमेंट ऑफ द कॉलेज इज ऑल्सो वेरी गुड. देखिए एटमोसफियर एंड एनवायरमेंट ना लिख के या तो आप लिखें द वर्किंग एटमोसफियर या लिखें द स्टडिंग एटमोसफियर या लिखें द जनरल एटमोसफियर, और दो वर्ड ना लिखें, सिर्फ एक ही लिखें, या तो एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरनमेंट, क्योंकि दोनों ही सेम बात को बताएंगे. द जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ द कॉलेज इज आल्सो वेरी गुड. बहुत अच्छा है यहाँ का एनवायरनमेंट. देयर आर पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चरल रिलीजियस एंड सोशल बैकग्राउंड इन माई क्लास. इसको ऐसे लिखें देयर आर स्टूडेंट्स ऑफ डाइवर्स कल्चरल कॉमा रिलीजियस एंड सोशल बैकग्राउंड इन माई क्लास. कि मेरी क्लास में बहुत से बच्चे हैं जिन सबका कल्चरल और रिलीजियस और जो सोशल बैकग्राउंड है वो अलग है. दिस विल डेफिनेटली हेल्प मी इवॉल्व एज अ ह्यूमन बीइंग. इन्होंने लिखा है कि अगर मैं एक ऐसे एनवायरमेंट में पढ़ूंगा जहाँ बहुत सारा डाइवर्स कल्चर है तो मैं एक ह्यूमन बीइंग की तरह इवॉल्व होऊंगा. बट आप ह्यूमन बीइंग की जगह लिखें एज एन इंडिविजुअल तो वो ज़्यादा सही रहेगा. तो अभी तक इन्होंने कॉलेज के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन किया और इन्होंने ये बताया कि जो एटमॉस्फेयर है कॉलेज का वो भी काफी अच्छा है. द प्रोफेसर्स हेयर आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव. अब इन्होंने जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनके बारे में बताया है तो ये भी इन्होंने सही एक्सपेक्ट कवर किया है. द प्रोफेसर्स हेयर आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव. दे टेक केयर ऑफ इवन द स्लोएस्ट लर्नर्स इन द क्लास. वो इतने अच्छे हैं कि जो बच्चा सबसे धीमी गति से सीखता है उसको भी वो केयर देते हैं और अटेंशन देते हैं. माई करिकुलम इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंक्लूडिंग नहीं आएगा एंड इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स फ्रॉम सोशोलॉजी कॉमा बिजनेस एनालिसिस एंड फिजिक्स एज वेल. देखिए इन्होंने यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा. तो इन्होंने ये बताया है कि जो इनके कॉलेज का करिकुलम है
क्योंकि देखिए आपका मोटिव ये है कि जो आपका फ्रेंड है जिसको आप ये भेज रहे हैं लेटर, उसको पूरी जानकारी मिल सके, उसके दिमाग में एक पिक्चर बन सके आपके कॉलेज की, उसको सिर्फ ये लेटर पढ़ के ही समझ में आ जाए कि आपका कॉलेज कितना अच्छा है, तो आपको इन डेप्थ बताना पड़ेगा और वही इन्होंने किया है। सो इट इज़ वेरी गुड। आई फील ब्लेस्ड फॉर गेटिंग एडमिशन हेयर। इन्होंने ये बताया है कि ये बहुत खुश है कि इनको एक इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला। अभी एंड कर रहे हैं अपने लेटर को, आई होप यू आर डूइंग गुड देयर। तो इन्होंने बताया है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम भी जहाँ पे हो वहाँ पे अच्छा कर रहे हो। राइट टू मी रेगुलरली विदाउट फेल। आप डब्ल्यू ओ ना करें, आप इसको विदाउट ही लिखें कि तुम भी मुझे लगातार लिखते रहना। योर्स ट्रूली ABC, और आखिर में आपका नाम। तो इन्होंने ये स्वीट सा और स्मार्ट सा इन्होंने एक लेटर लिखा है अपने फ्रेंड को। आप इसको चेक कीजिए और बताइए आपको इसमें कोई और एक्स्ट्रा गलती मिलती है क्या। वैसे मुझे तो ये काफ़ी सही लगा, और इन्होंने स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन दिया है और एकदम क्लियर पिक्चर दी है अपने कॉलेज की अपने इस लेटर के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है इस वीडियो से, तो इसे लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू वेरी मच।